हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानो देखिए गुरु जी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स है और क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू का आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है, तो बच्चों आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई वैद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके वीमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में वीमा सबसे ज्यादा पूछी जाती है वैद्युत विभव की। तो हम लोग आज डीप में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक निगमन भी आज के सेशन में होने वाला है, जो कि है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो ये निगमन भाई एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछा जा सकता है। जब ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा होता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन सिंगल आता है ना, तो ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्योंकि गुरु जी है तो संभव है। आपके सामने लिखा है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। अब आपके से क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि भाई वैद्युत विभव क्या होता है। आपका तुरंत ये जो माथा है ना ठनक गया कि भाई क्या होता है वैद्युत विभव। आपके घर में अगर बिजली जल रही है तो किसकी वजह से जल रही है? वैद्युत विभव की वजह से चल रही है। अगर वो बिजली जल रही है तो वैद्युत विभव की वजह से जल रही है। आप कहेंगे सर इसमें तो विद्युत धारा भी होती है। हाँ, इसमें विद्युत धारा भी होती है, लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न कैसे हुई? वो उत्पन्न तब हुई जब आवेश का प्रवाह हुआ। इसका मतलब आवेश, विद्युत धारा, वैद्युत विभव सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। तो बच्चों वैद्युत विभव यह निर्धारित करता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की प्रवाह की दर कितनी है, और ये वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में क्या है प्रवाह की दर, किसकी प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर कितनी है। तो ये तो डिफिनेशन नहीं हुई। डिफिनेशन क्या हुई कि भाई वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश को, अब मान लो भाई कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका, उसमें एकांक आवेश रखा है, उसको एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पे लेके आना है। तो जितना आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको आप उस आवेश के मान से आप उसको भाग दे देंगे, तो आपका जो आएगा ना आंसर वो क्या आएगा, विभवांतर आएगा। अब आप सोचो कि ये ऐसा क्यों बना। बच्चों देखो, अगर कोई भी हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई भी एक आवेश है और आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगा, इसका मतलब है कि यहां पे आवेश का प्रवाह हो रहा है, समझ रहे हैं? और आवेश का प्रवाह हो रहा है तो ये कौन निर्धारित करेगा, ये वैद्युत विभव निर्धारित करेगा कि भाई जितना कार्य होगा उस कार्य को आपको क्या करना है, उस आवेश से डिवाइड कर देना है, मतलब भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा विभवांतर। ये तो भाई आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ रखा था, ये सारी चीजें आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ी थी, लेकिन वहां पे ये क्यू नॉट नहीं था, यहाँ पे क्यू नॉट लिखा हो, क्यू नॉट जब क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स आप पढ़ोगे तो जहां पर भी आपको ये दिख जाए क्यू नॉट, आप समझ लेना ये है तो आवेश ही, ये नॉट बता रहा कि परीक्षण आवेश है, मतलब आप टेस्ट कर रहे हो कोई, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा कि भाई किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि भाई इसका मात्रक क्या है। सभी लोग ये जानते हैं कि भाई W मतलब होता है कार्य, और कार्य को जब आप आवेश से भाग कर रहे हैं, इसका मतलब कार्य का मात्रक तो जूल है ना, और इसका जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम है। तो भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज तक ये सोच रहे थे कि भाई इसका ये मात्रक नहीं होता, इसका तो वोल्ट होता है। तो बच्चों उनको भी मैं बता दूं कि इसका दूसरा मात्रक भी होता है जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो मतलब इसका मात्रक जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट भी हो सकता है। डन, यहां तक तो क्लियर ना? चलो अब हम आपको बताते हैं कि इसकी वीमा क्या होती है, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि यह कौन सी राशि है। तो बच्चों एक बात बताना, यह कैसी राशि है, या एक अदिश राशि है, यह कैसी राशि है, यह भी एक अदिश राशि है। तो बच्चों ये जो बना ना, ये भी एक अदिश राशि ही हुई। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, अदिश राशि को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, है ना। सो आप बोल सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज, है ना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, बट इंग्लिश पे नहीं जाना है, अभी हमको आराम से समझना है। तो हमने क्या लिखा कि भाई मात्रक, इसका तो मात्रक हो चुका है, अब हम इसकी वीमा निकालेंगे। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चे वीमा को रट लेते हैं, लेकिन वीमा को रटना नहीं, मैं समझाता हूं आपको। आपको इसकी वीमा निकालनी है विभवांतर की, तो आप बोलोगे कि कार्य की वीमा और
इसकी बीमा आप लिखोगे। तो यहां पे आप लिखोगे कि कार्य की बीमा, ठीक है, कार्य की बीमा, और उसके बाद आप लिखोगे आवेश की बीमा, ठीक है। किसकी बीमा लिखोगे डियर? आप लिखोगे आवेश की बीमा। अब मुझे बताना भाई, कोई कार्य की बीमा क्या होती है? तुरंत आपके मन में आया होगा कि भाई कार्य की बीमा तो हमको याद ना है, हम कैसे निकालेंगे सर जी? हम बताते हैं, देखो कार्य को आप क्या बोलते हो भाई? कार्य को आप बोलते हो कि हाँ ये मेरा क्या है, बल गुणे विस्थापन है। तो बल का बीमा क्या होता है बताओ? बल का बीमा होता है बच्चों एमएलटी माइनस टू, ये माइंड में सेट कर लेना कि भाई एमएलटी माइनस टू। और विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? दूरी होती है, और दूरी का बीमा भैया सबको पता है कि एल होता है ना। तो भाई एल हम लोग यहाँ नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद आवेश क्या होता है? आवेश होता है भाई क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला पढ़ा है, और आई मतलब है धारा, धारा के लिए हम ए लिखते हैं, और टी के लिए मतलब टी ही लिखते हैं, बट समय को स्मॉल टी, और बीमा उसके लिखना है तो ना कैपिटल टी। तो बच्चों ये क्या आएगा ना? ए टी आएगा। अब आप देखो ना, रटना नहीं पड़ा है, हम समझते हैं। अब आपने देखा कि एम है, एल है, एल एल दो बार है, तो बच्चों एम हो गया, एल दो बार हो गया, टी ये एक ऊपर जाएगा तो ये इसकी घात माइनस तीन हो जाएगी, है ना। तो ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस तीन हो जाएगी, और ए भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस वन। दिख रहा है ना सभी को वहां? बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर, है ना, और उसके बाद इसकी घात माइनस तीन और उसकी घात माइनस एक। तो ये इसके बीमा हो गई, किसी को रटने की आवश्यकता नहीं हुई, हमें जहां तक लगता है कि भाई आपको रटना नहीं पड़ा। अब कुछ नहीं करना है, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं कि भाई एकल बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। ये एकल बिंदु आवेश क्या होता है? एक ऐसा आवेश जो कैसा है भाई, एक बिंदु के जैसा है, है ना, एकल बिंदु आवेश, इसके कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आया? नहीं ना, समझो ऐसे बच्चों, मान लो यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, जिस पर कोई भी एक आवेश है, ठीक। मुझे यह ज्ञात करना है कि अगर मैं इससे थोड़ी दूरी आर पर जाऊं, या थोड़ी दूरी मैं कैपिटल आर पे जाऊं, या थोड़ी दूरी मैं एक्स पे जाऊं, तो इन बिंदुओं पर वैद्युत विभव आखिर कितना होगा। क्वेश्चन का मतलब ये है, समझ गए कि इसके कारण कितना वैद्युत विभव होगा, क्योंकि बच्चों जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक वैद्युत विभव कहां उत्पन्न होगा। इसलिए आवेश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई एकल बिंदु आवेश के कारण मुझे एक दी हुई दूरी पर कुछ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। लेकिन एक बात बताइए, किसी चीज को आपको अगर ज्ञात करना है तो बिना एक्सपेरिमेंट किए क्या ज्ञात कर सकते क्या? नो, या तो फिर आपको उसका फॉर्मूला पता हो, मेथड पता हो, सब कुछ। नहीं तो अगर कोई चीज नई नई अगर निकालनी है ना, तो मुझे क्या करना होता है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक छोटा सा हमें टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश है, इससे हमने थोड़ी दूरी R पर एक बिंदु ले लिया, और जिसका नाम रखा क्या मैंने? A। और बोला मैंने कि इसके कारण इस बिंदु A पर जितना वैद्युत विभव होगा वो ज्ञात करना है। तो ऐसे तो ज्ञात होगा नहीं, हमको करना क्या है? वैद्युत विभव उत्पन्न कब होता है? जब किसी आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु पे लाते हैं, तब वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो मैंने बोला कि मान लो कि इसी बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है? B है, जहां से ये वाला जो परीक्षण आवेश है ना, जिसको भाई बिंदु B है, जहां पे कोई आवेश है, और उस आवेश का नाम दे दिया मैंने भाई परीक्षण आवेश। भाई इससे हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, टेस्ट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम आवेश का, प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है। परावैद्युतांक क्या है? पहले चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा। अब आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, भाई इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इससे आर दूरी पर हमने एक बिंदु कौन सा ले लिया? ए। ऐसा नहीं है कि इसके क्षेत्र से बाहर से जाके कोई बिंदु लेना है, उसके क्षेत्र में ही कोई बिंदु लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है ए, और इसी बिंदु पर मैं ज्ञात करूंगा कि भाई कितना वैद्युत विभव मुझे उत्पन्न करना है। समझ में आया? इसको करने के लिए हमने
ओ से एक्स मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लिया, और यहां भी आप मीटर लिख लेना बच्चों, है ना, आर मीटर की दूरी पर। तो हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लिया। अब करेंगे क्या हम लोग, इसको उठाकर किसी एक दिए हुए पॉइंट पे लेके आएंगे, किसको उठाकर, प्लस क्यू नॉट को। तो मैंने माना कि इस बी से भाई बी है और इससे इस तरफ आए, तो हम लोग यहां से यहां खिसक के आ रहे बच्चों इधर से इधर। तो आपने देखा कि ये प्लस क्यू से इधर आ रहे हैं, तो यहां मैंने लेट कर लिया कि ये हमारा बिंदु सी है, और बी से इस सी की जो दूरी है वो कितनी मान ली बच्चों, मैंने बोला कि भाई डी एक्स। तो हम ये निकालेंगे कि बी से जब हम सी पे बिंदु ले, सी बिंदु पर इस आवेश को लेकर आए तो कितना कार्य करना पड़ा, पहले तो हम ये निकालेंगे। फिर जब वो कार्य हम निकाल लेंगे तब हम लोग उसका फिर पूरा कार्य निकालेंगे ना, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन कर लेंगे, और फिर मेरा टोटल कार्य निकल आएगा। तो जरा ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा कि बिंदु बी से, बिंदु बी से डी एक्स दूरी पर, है ना, मीटर कर लेना, डी एक्स दूरी पर एक बिंदु कैसा लिया, सी लिया, ठीक है, एक बिंदु सी लिया जो जो जिसकी दिशा, है ना, जिसकी दिशा बल के विपरीत है। एक बात याद रखना, बल के क्या है, विपरीत है, क्योंकि बच्चों जो ये प्लस क्यू के कारण जो बल लग रहा है ना वो उसकी दिशा उस तरफ है, और मैं इसके अपोजिट काम कर रहा हूं। और जब बल और विस्थापन की दिशा अपोजिट होती है तो जो मेरा कार्य आता है ना वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ये बात आपने पढ़ी भी होगी छोटी क्लासेस में। तो इसके कारण जो बल लग रहा है वो इस तरफ है, विस्थापन इस तरफ है। अब मन में आया होगा कि भाई बल इस तरफ ही क्यों आया ना, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू के आवेश के कारण अगर मुझे इस तरफ देखना है तो भाई ये इसकी दिशा इस तरफ ही तो होगी बल की दिशा, समझ भाई बात। तो बल की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है, सभी को पता है, ठीक। तो अभी हमने देखा कि बल की दिशा क्या विपरीत है, हमने निकाला कि किया गया कार्य, अतः किया गया कार्य, ये कार्य कब हो रहा है, कार्य तब हो रहा है जब हम बी से सी की ओर लेके आ रहे हैं प्लस क्यू को। मैंने लिखा भी है, बिंदु बी से डीएक्स दूरी पर एक बिंदु सी है लिया, जिसकी दिशा बिंदु जिसकी दिशा बल के क्या है, विपरीत है, ठीक है। अतः प्लस क्यू नॉट को बी से सी तक लाने में किया गया कार्य बेटा, है ना, किया गया कार्य। अब हम निकालेंगे किया गया कार्य, तो भाई देखो सूक्ष्म दूरी दी गई है तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डी डब्ल्यू लेट कर लेंगे। ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी कि ये क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो कार्य होता है ना वो बल गुणे विस्थापन होता है। तो ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज बताएंगे। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणे क्या, विस्थापन। अब बल क्या होगा, एक बात बताना, अगर कोई भी ब्रह्मांड में दो आवेशित वस्तुएं हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, ये कौन बताया था, कौन बता के गया था, भाई गुलाम चाचा पहले चैप्टर में उन्होंने बोला था कि जो बल लगेगा ना वो लगेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर माध्यम में परावैद्युतांक है, मतलब वो जो परावैद्युतांक दिया है उसका, तो बच्चों ये मेरा के बराबर क्या होगा, अगर वायु है तो के बराबर 1 होगा, ऐसा बोला था उन्होंने, और अगर कोई दूसरा माध्यम है ना तो के को हम लिखेंगे, समझ भाई बात। ये तो बल हुआ अभी कितना हुआ है, अब उसके बाद क्यू और गुड़े क्यू नॉट और बटे में उन्होंने कहा था आर स्क्वायर, ये कौन बोल के गया था, ये हमारे न्यूटन चाचा बोल के गए थे, ठीक है, हमने क्या लिखा, ये आर स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ, आर स्क्वायर क्या सही होगा, नहीं, क्योंकि ये हमारा क्यू नॉट, ये क्यू है और ये क्या है, क्यू नॉट है, इसलिए इस आर की जगह पे हमें एक्स लिखना होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी एक्स है। पर आप सोचोगे कि सर आपने आर फिर क्यों लिखा पहले, ताकि आप ना इसके ऊपर फोकस करो एक बार, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स कर दिया, क्योंकि दो आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा।
अब ये तो बल हुआ मेरे लाल, विस्थापन तो हुआ ही नहीं। विस्थापन को क्या करेंगे, ये विस्थापन कितना है dx, और ये माइनस होगा क्योंकि रीजन लिख लो, रीजन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बल व विस्थापन, बल व विस्थापन की दिशा क्या है बच्चों, की दिशा विपरीत है। बस यही कारण है कि, यही कारण है dx जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है। मेरे प्यारे बच्चों ये लिखना जरूरी है, अभी तो समझ में आ जाएगा, जब पेपर रंगीचे होगा ना, रंगीचे का मतलब समझते हो ना, गांव में ऐसा बोलते हैं, तब समस्या हो जाएगी फिर। ठीक, क्लियर? अभी इतना समझ में आ गया, हमने क्या निकाल लिया है, छोटा सा कार्य निकाल लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुल कार्य निकालना पड़ेगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं साफ करूं इसको। तो अभी आपने देख लिया कि भाई कैसे मैंने ये कार्य निकाला है, लेकिन अगर सोचो ये जो क्यू नॉट है ना, ये अनंत पे होता तो क्या होता, तब तो बच्चों आप बोलते हैं कि अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हम यहां लिखेंगे कि क्यू नॉट को, ये सब आपने 10th में पढ़ रखा है, क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य। और बच्चों जब आप कुल कार्य निकालेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, उसके बाद इधर देखो ये लिखा हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद के, फिर ये हो जाएगा क्यू वन और नहीं है क्यू क्यू और क्यू नॉट है, उसके बाद नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद डी एक्स है, और ये जो माइनस है ना ये यहां लेके आ जाओ। इतना समझ में आ गया सभी? अब आप देखोगे कि बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, जब बिंदु ए तक लेके आओगे तो जो इंटीग्रेशन होगा ना वो 0 से क्या होगा, अभी भी बच्चों इससे इसकी दूरी कितनी है आर, तो 0 से r तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो समाकलन होता है इसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। ठीक है, अभी अगर मुझे बीच में समय मिलेगा तो हम समाकलन वाली एक छोटी सी क्लास का वीडियो अपने उसमें डाल देंगे ताकि आपके लिए हेल्प कर सके। अब इतना समझ आ गया होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे डब्ल्यू आएगा। अब जब इंटीग्रेशन होता है मतलब समाकलन होता है तो जो कांस्टेंट चीजें होती है वो बाहर आती है, और समाकलन उसी का होता है जैसे डी जिसके साथ डी एक्स मतलब डी के साथ जो होगा उसी का, एक्स लगा है ना मतलब एक्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो। इसका मतलब -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्यू और क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। फिर समाकलन होगा किसका, ठीक है किसका समाकलन करोगे, तो एक काम करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, माइनस क्यू और क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद के। अब आपका बचेगा समाकलन 0 से लेकर r तक और 1/x² और उसके बाद dx। देखो जो बच्चा मैथ का होगा वो अभी समाकलन तो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है समाकलन वो कब पढ़ेगा, जब थोड़ा और ज्यादा एग्जाम पास होगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, तो अभी तक आपको समाकलन नहीं पता होगा। तो मैं इसको इस बॉक्स में कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको नोट करके लिख लेना बगल में इसी के, ठीक है नोट करके बगल में लिख लेना। एक्चुअली ये नीचे गिरा तो ये पूरा निब जो है अंदर चला गया, तो दूसरा ले लेता हूं। तो अभी नोट करके कुछ लिखना है, क्या लिखना है देखो ध्यान से, हमें इसका अलग से समाकलन करना है। हम जानते हैं कि 1/x इसका समाकलन करेंगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आता है, सभी को पता होगा इसका आंसर, 1/ अगर एक्स करेंगे तो आंसर कितना आएगा, नहीं पता है तो अभी मैं सब बताऊंगा। अब इसी तरीके से 1/x और उसकी पावर 2 है, इनका दोनों का आंसर हमको लिखना है। ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, एक फॉर्मूला होता है कि एक्स की पावर एन का समाकलन, तो ध्यान से देखना मैं पहले वही बताता हूं, एक्स की पावर एन का समाकलन और उसके बाद डीएक्स, ये एन जो है ना वो आगे आता है, ये जो एन है ना वो आगे आएगा और उसके बाद इसमें एन में एक पावर जो है वो जुड़ जाएगी, ठीक, और उसके बाद एन आगे नहीं आएगा, वो डिफ्रेंसिएशन में आता है, फिर उसके बाद ये एन प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाता है आपका आंसर, ये क्या हो जाता है n+1। तो
तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं निकालना चाहूं एक बटे एक्स स्क्वायर और डीएक्स को, तो एक बटे एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स की पावर माइनस टू है और उसके बाद डीएक्स है। अब आप खुद ही देखो क्या होगा, आप खुद ही देखना क्या होगा। ये दो जो दिख रहा है ना आपको, तो एक्स की पावर माइनस दो और प्लस वन और उसके बाद फिर से माइनस दो प्लस वन हो जाएगा। ठीक ठीक है, अब ये आपका आएगा एक्स की, दिख रहा है कि नहीं, इससे लिखता हूं, ट्राई करता हूं। एक्स की पावर आपकी हो जाएगी माइनस एक और उसके बाद यहां से आएगा माइनस एक, जिसको आप लिखेंगे एक बटे एक्स की घात एक हो जाएगा, क्योंकि वो जब पावर नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी और ये वाला माइनस यहां रहेगा। ये इसका आंसर आएगा। फिर से सुन लो आप लोग, ये फॉर्मूला होता है, जितनी पावर होगी वो पावर में एक जुड़ जाएगा और वही आपका नीचे लिख दिया जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे इतना क्यों बताया सर ने, डायरेक्ट हम बता सकते थे ये, क्योंकि तो आपको अदर यूट्यूब चैनल पर मिलेगा डायरेक्ट कि हाँ ये बगवा तो ये आता है, तो जो बायो के बच्चे हैं वो डायरेक्ट रट भी सकते हैं इसको। तो इतना समझ में आया सभी को कि ये कहाँ से आया, मैंने बोल दिया, एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजें। अब यहां आ जाओ, अब माइनस क्यू और क्यू नॉट, उसके बाद यहां से आपका जो समाकलन आता है वो कितना आया, माइनस एक बटे एक्स, और ये जो निश्चित समाकलन में ये लिमिट लगी होती है, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, अपर लिमिट बोलते हैं, तो ये जीरो और ये क्या है आर। अब उसके बाद नीचे है चार पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद के, टोटली मैथ है, मतलब फिजिक्स है तो मैथ है। अब माइनस क्यू और क्यू नॉट और उसके बाद चार पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। अब ये कैसे रखा जाता है, ये जो माइनस दिख रहा है आपको ये पहले तो बाहर ले आओ और इसको प्लस कर दो, ठीक। अब एक बटे एक्स है तो लिमिट कैसे रखी जाती है, पहले एक्स की जगह पे आर रखेंगे, उसके बाद माइनस लगाया जाएगा, फिर एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे, ठीक। ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा यहां से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपका बचेगा एक बटे क्या आर, ये बचेगा। तो आपने देखा कि यहां से आपका आंसर आ रहा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्यू और क्यू नॉट और बटे में क्या आ रहा है आर, ये आपका आंसर आ रहा है किसका, डब्ल्यू का। ये आया देखो, फिर से देख लो, क्यू क्यू नॉट और उसके बाद के भी है, ये समझ में आया। ये तो हमने अभी क्या निकाला है, वर्क, फिर से समझ लीजिएगा एक बार, देख लीजिएगा मैंने क्या किया है, इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं बच्चों। ये आपने क्या निकाला है, वर्क निकाला है, कार्य निकाला है, परंतु लिखोगे आप, परंतु हम जानते हैं कि भाई वी इज इक्वल टू विभव जो होता है वो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, और डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो आपको ये दिया गया है, कितना, एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्यू और क्यू नॉट और बटे में आर, इस आर होता है सिर्फ, है ना, ये हो गया, और बटे में पूरे बटे में क्या है क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट तो कट जाएगा, जो आपका बचेगा वो होगा वी बराबर एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्यू बटे आर, ये आपका क्या हो जाता है, वैद्युत विभव हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये समझ में आया होगा, और हाँ साथ ही साथ के भी लिखते हुए चलो, ये आ गया इतना। अब आप लिखोगे वायु के लिए के बराबर एक, मतलब परावैद्युतांक वायु के लिए एक होता है, तब ये फॉर्मूला जो बनेगा ना वो होगा आपका बी बराबर एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे क्या आर, ये वैद्युत विभव। तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया कि वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों की इतना समझ में जरूर आया होगा, ठीक। अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने आपको ये निगमन बता दिया है, अब हम आपको बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जो कि आज के इस क्लास का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट हो सकता है। तो हम आप हेडिंग डालेंगे ना कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, हमने भी हेडिंग डाली है, आप भी हेडिंग डाल लेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि यह कार्य तथा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक होता है, यह कार्य तथा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है,
बहुत छोटा क्या है, मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, बहुत छोटा मात्रक ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि ये ऊर्जा है, तो ये कौन सी ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है। जब किसी भी, बहुत ध्यान से सुनना, मान लो कि आपके पास एक सर्किट डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, मान लो एक सर्किट डायग्राम हमने आपको बना के दिखाया, अगर हम इसमें, ये मेरा क्या है, विभवांतर है, ये प्रतिरोध है, और ये मेरा बल्ब है, और ये मेरी की है, जैसे आप जानते हो कुंजी है। अगर हम लोग इसको 1 वोल्ट का विभवांतर दे, क्या दे इसको, हम 1 वोल्ट का विभवांतर दे, तो जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, किसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सभी को पता है ये बात कि ये धारा अगर इधर से इधर बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन के आने की दिशा इधर से इधर होगी, कि पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे। तो हम लिखेंगे कि जब जब किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए, त्वरित करने के लिए 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है, दिया जाता है, तब वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब तब वह 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल की गतिज ऊर्जा अर्जित करता। क्या करता है, इतनी गतिज ऊर्जा के साथ वो चलने लगता है। कैसे होता है, क्या होता है गतिज ऊर्जा, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम सिंपली ई और वी से लिखते हैं, मतलब ई स्मॉल होगा, वी कैपिटल होगा, और ये एग्जाम में आया है कई बार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या है कि ये एक टाइप का ऊर्जा है, जो कि आवेश और गुणे, जो आवेश होता है ना, और उसके बाद विभवांतर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। आवेश क्या है, किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये होता है। विभवांतर कितना बोला बच्चों, 1 वोल्ट का विभवांतर है, यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, और ये आएगा जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतने सारे क्या होते हैं, जूल होते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने सारे क्या होते हैं, जूल होते हैं। अब आज के सेशन को मैं यहीं पे करूंगा एंड, ठीक है। अगले हम लोग सेशन में आपको बताएंगे कि वैद्युत विभव जो उत्पन्न होता है किसी द्विध्रुव के कारण कैसे उत्पन्न होता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, छोटा वीडियो है। अगले वीडियो में हम आपको एक ही वीडियो में 2 से 3 निगमन एक साथ करवाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। बाय बाय।